हाई नमस्कार, वेलकम टू माई चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। एक्चुअली आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ ना, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा नया है मार्केट में। एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ रोल ऑन वैक्सिंग के बारे में। आप लोग अगर फेसबुक और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ऐसे सर्फ मतलब ब्राउज कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि यार आजकल बहुत ज़्यादा ये एक नई टर्मिनोलॉजी आई है रोल ऑन वैक्सिंग। सो आई ऑल्सो हर्ड अबाउट दैट। सो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई एंड ऑल्सो गिव यू द रिव्यू कि ये कैसा है, ठीक है? बिकॉज नई चीज़ है, वी डोंट नो एंड वी आर जस्ट हेजिटेटिंग कि हम इसे बुक करें कि नहीं करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि ये अभी अर्बन क्लैप ने लॉन्च किया। आई थिंक इट्स अ फर्स्ट डे, इट्स देयर फर्स्ट और सेकेंड डे। सो अभी आपको ये ऑफर पे मिलेगा 599 में, फ्लैट 599 रीका वैक्स रोल ऑन वैक्सिंग। Now, what are the pros and cons of this vaccine? मैंने भी यही सोचा कि इसको try करके देखती हूँ। So I have booked and today Urban Club से आने वाले हैं वो। So I just tried. I will also share some of the clips that actually जिससे आपको पता लगे कि उस time when I was just doing that मुझे pain हो रहा था या नहीं हो रहा था। Because when we do vaccine हमारा सबसे ज़्यादा concern होता है, एक तो पहली चीज़ pain, दूसरी चीज़ हमको बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। नो हनी वैक्स से ज़्यादा मतलब कम गर्म हमें रीका में लगता है, बट स्टिल हमें लगता है। तो देखते हैं कि अभी इसमें, क्योंकि मैंने और जगह रिव्यूज़ देखे तो आई जस्ट केम टू नो कि बिल्कुल गर्म नहीं लगता है एंड पेन भी कम होता है। सो लेट्स चेक वेदर इट्स ट्रू और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद द दैट पार्ट कि क्या क्या आउटकम रहा फॉर दिस रोल ऑन वैक्सीन का। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब देखते हैं। गरम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, गरम बिल्कुल नहीं लग रहा। और काफी पतली लेयर हो रही है एप्लीकेशन की, बहुत पतली, बहुत अच्छे से निकल रही है। सो हियर इट कम्स, क्योंकि यहाँ वाले एरिया पे बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, तो लेट्स सी यहाँ पे पेन हो रहा है कि नहीं। So I finished one hand and it was very nice, बहुत अच्छा था। अब now जब full waxing होती है then we will see how it goes. As you've seen in the clip, apart from that I just want to share some of the things regarding the troll on waxing. First of all, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस waxing की लगी that is it's very hygienic. सबसे पहली बात है इसमें एक cartridge होता है, एक cartridge आपको सिर्फ आपके ही मतलब बॉडी पे यूज़ किया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट ये इसको रिमूव कर देते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसकी लगी वो तो हाइजीन है, ठीक है, हाइजीन है। उसके अलावा ये है कि दूसरी चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव राइट नाउ फॉर दिस कॉस्ट, लाइक 599 में आपको रीका का वैक्स मिल रहा है, वो भी रोल ऑन फुल लाइक फुल हैंड्स। तो यार दैट इज़ वेरी, अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आई डोंट नो कि ये अभी इनका मे बी लॉन्च प्राइस है इसलिए इन्होंने इसका प्राइस इतना रखा हुआ है, हो सकता है कि बाद में ये इसका प्राइस बढ़ा दे या आई डोंट नो, बट टिल नाउ व्हेन द प्राइस इज 599 इट्स अ यू नो इट्स अ वेरी नाइस डील। आप अगर अभी आपने ट्राई नहीं किया हो तो आप कर लो, अभी आपको ऑफर मिलेगा तो इट विल बी गुड फॉर यू। तीसरी चीज़ जो मैं और चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि यार देखो सबसे दूसरी हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है आफ्टर मनी एंड ऑल कि यार ये पेन तो नहीं कर रहा है, हीट बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं लगता है व्हेन वी अप्लाई वैक्स। तो इसमें दोनों ही कंडीशन नहीं है, मतलब पेन तो बिल्कुल मतलब इट वॉज नेग्लिजिबल एक्चुअली, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ गर्ल जिसे बहुत ज़्यादा पेन होता है इन दीज पार्लर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। आई जस्ट यू नो हॉन्ट मी कि यार अभी मुझे ये सब कराना है एंड ऑल लाइक दैट।
तो इस हिसाब से बिल्कुल पेनफुल नहीं था अकॉर्डिंग टू मी. और दूसरी चीज़ है कि इसमें ना जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, बहुत ही पतली लेयर लगती है वैक्स की, बहुत ज़्यादा. इट्स अ रोल ऑन काइंड ऑफ थिंग, बहुत पतली लेयर लगती है. तो इससे क्या होता है ना कि बिल्कुल भी मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि आपको गर्म लग रहा है. बिकॉज़ क्या होता है ना, जब हम वो वाली वैक्स से स्पैचुला से लगाते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी थोड़ी सी लेयर मोटी होती है. ज़्यादा वैक्स के कारण हमें ज़्यादा गर्म लगता है. इसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है. तो यार इस हिसाब से भी मुझे बहुत अच्छा लगा. प्लस आई एक्चुअली लाइक द अर्बनक्लैप सर्विस इन दैट. जो लेडी मेरे यहाँ पे आई थी, शी वॉज वेरी नाइस, बहुत पेशेंस था, उन्होंने बहुत अच्छे से किया. तो मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ थम्स अप टू अर्बनक्लैप फॉर प्रोवाइडिंग सच अ स्मूथ सर्विस. सो इट वॉज वेरी नाइस. तो इन टोटल मैं ये कहना चाहूँगी कि यू कैन ट्राई, यू मस्ट ट्राई एक्चुअली, इट्स वेरी नाइस. और जब तक ऑफर है तब तक तो और अच्छे से कर लो ट्राई यार. काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आपको मिल जाएगा ये ऑफर. एंड ये यू विल कम टू गेट अ वन पेनलेस वैक्सिंग यू नो एक्सपीरियंस. सो इन टोटल आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ थम्स अप टू दैट एंड डेफिनेटली ट्राई दिस. ओके, सो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए. एंड बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ. बाय बाय.